और अब बात पीएम मोदी के लखनऊ दौरे की। 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय लखनऊ के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर यूपी के मंत्रियों से मिलेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास तक के पूरे रास्ते पर यहां स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त किया जा रहा है, रंग रोगन का काम भी चल रहा है। पीएम मोदी के लखनऊ आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और हम इस समय मौजूद है शहीद पथ के पास, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री का जो काफिला होगा वो लखनऊ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री आवास इसी शहीद पथ से होकर जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नगर निगम का मार्ग प्रकाश विभाग है, ये सभी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने में सभी विभाग लगे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, PWD हो, LDA हो, सभी विभागों को उनकी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय शहीद पथ पर जो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है कि कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब ना रह जाए, यानी सभी स्ट्रीट लाइट उस समय जलती मिले जब यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भव्य सजावट की जा रही है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते से पीएम मोदी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे उस रास्ते की रेलिंग को भी दुरुस्त किया जा रहा है और रंगाई पुताई का काम भी जारी है। पीएम मोदी जिस रूट से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे वहां पर लाइट की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही जा रही है, साथ ही यहां पर जहां जहां रेलिंग गड़बड़ थी हम देख पा रहे हैं उसको भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये शहीद पथ पे जो रास्ता है यहां कई जगह पर रेलिंग टूटी हुई थी या गड़बड़ थी, तो ऐसे में अब उस रेलिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। इससे एक तरफ तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो बेहतर होगी, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी ये ज़रूरी काम है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रेलिंग है जो नई रेलिंग मंगाई गई है और इनको जहाँ जहाँ पर रेलिंग टूटी है वहाँ पर लगाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूरा पेंटिंग का काम भी किया जाएगा इसके ऊपर, रेलिंग को मजबूती से सीमेंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन पर जो फुटपाथ है वहाँ पर पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है, ये देखिए। और दिन रात अब क्योंकि वक्त बहुत कम है ऐसे में दिन रात ये सारी जो व्यवस्था है जो काम है उनको पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर जो रेलिंग है उसे पेंटिंग का काम भी हो रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी यूपी के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। पीएम के मार्गदर्शन को लेकर यूपी के मंत्रियों में भी गजब का उत्साह है। हालांकि सभी मंत्रियों से अपने विभागों की योजनाओं और फ्यूचर प्लान तैयार रखने को भी कहा गया है। हमारे साथ में इस समय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की तैयारी। दानिश जी ये बताएं, प्रधानमंत्री जी से पहली मुलाकात होगी इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद, अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात छोड़ दी जाए, तो किस तरह से आप लोग तैयार होके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार अभी मंडल के प्रवास पे थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी 18 मंडल में माननीय मंत्रीगणों का एक समूह बना था जो ग्राउंड लेवल पर जाकर उन्होंने देखा है कि कैसे हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं और अच्छे और बेहतर तरीके से पहुंचे। हम शहरों में गए, गाँव में गए, पंचायत भवनों तक गए और हमने वहाँ जा कर संवाद स्थापित किया और आम जनमानस से हमने बात की कि कैसे हमारी योजनाएँ उनको लाभ पहुँचा रही है, बिना भ्रष्टाचार के उन तक पहुँच रही है, बिना भेदभाव के उन्हें मिल रहा है। और कल ही हम लोग प्रवास से वापस लौटे हैं जनपद का दौरा करके और आज हम अभी रिपोर्ट बना रहे कि कैसे क्या क्या वहाँ सा हमारे दौरों में रहा है। तो हम लगातार हमारा प्रयास है कि हम आम जनमानस के हित की बात करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें और इसी तरह आगे हम आदरणीय मोदी जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेके हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हाँ, ये खुशी की बात है कि अगर हम उनके साथ मिलेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। दानिश जी, कहा जा रहा है कि इस दौरान वो आगे के लिए भी प्रधानमंत्री जी आप लोग से मुलाकात करके बताएंगे कि कैसे काम करना है, तो कुछ समय वगैरह क्या रहेगा? देखिए, अभी तो मैं आज ही आया हूँ और मैं अलग अलग जिलों में था और अगर उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम सभी मंत्रीगण के लिए, हम सभी के लिए एक अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी तो हमारे ऊर्जा को और बल मिलेगा और हम दुगनी ऊर्जा के साथ जनता की सेवा के लिए और अच्छे से कार्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में दानिश आजाद अंसारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि
जो अभी मंडलों का दौरा किया, जिलों का दौरा किया, वहां की एक रिपोर्ट है अपने विभाग को लेकर किस तरह की कार्य योजना है 100 दिन से लेकर और 5 साल तक की, वो सब है। तो ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है प्रधानमंत्री से मिलकर मुलाकात करके उनसे बात करने का, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए भी एक गौरव का पल होगा और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ।